जो टर्निंग साइज है 105 mm लंबाई है इसकी, और जो टर्निंग साइज है इसका ये 20 mm, ठीक है। हमारा 34 पीस का डाया है, तो मैंने 32 पे पहले कट मार दिया 105 तक। मैंने आपको बताया था ना टर्निंग बैरिंग साइज जो टर्निंग है 105 तक है। इंटरेस्ट आएगा कि कैसे मैंने हेक्स को टर्निंग किया हुआ है और रिवर्स चूड़ी कैसे मैं डालूंगा, वो भी मैं वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। फर्स्ट साइड और सेकंड साइड करके तैयार करूंगा ताकि आपको समझ भी आ जाए, ठीक है दोस्त। एक तरफ मैं तेल स्टॉक लगा के टर्निंग करूंगा बैरिंग साइज, और दूसरी तरफ हम लेफ्ट में चूड़ी डालेंगे यानी रिवर्स चूड़ी यानी उल्टी चूड़ी, ठीक है। 24-2 की हमारी चूड़ी है, वो भी मैं डाल दूंगा, ठीक है दोस्त। तो इसको आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, आपको ड्राइंग भी दिखा रहा हूँ आपको आपको, ठीक है दोस्त। तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे मैंने पीस टर्निंग किया हुआ, आपको प्रोग्रामिंग भी समझ में आएगी ड्राइंग दिखाने से पहले, ठीक है दोस्त। मैं हूँ अजीत पटेल और स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल अजीत सीएनसी ब्लॉग में दोस्त। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैंने हेक्स को टर्निंग किया हुआ है और दूसरी तरफ सेकंड साइड तरफ मैंने कैसे टर्निंग साइड को पकड़ के रिवर्स चूड़ी कैसे डाला हुआ है, वो भी एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। किसी भाई ने मेरे को बोला था कि एक कंपोनेंट को 2-3 टूल मतलब लगा के टर्निंग करो और भाई उसका वीडियो बना दो, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्त। इसका मैंने रफ करूंगा, उसके बाद फाइनल करूंगा, ठीक है। रफ करूंगा मैं CNMG 0.8 से, लेफ्ट के टूल है हमारा, और फाइनल करूंगा TNMG टूल 0.4 के इंसर्ट लगे हुए नाइफ एज, ठीक है दोस्त। उससे फिनिशिंग आएगी, ना ही कोई चैटरिंग ना ही उबल्टी, ठीक है। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में और आपको सीख भी मिलेगी। तो आपको ड्राइंग भी आपको दिखा देता हूँ कि ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्त। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्त, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे, और अच्छा अच्छा वीडियो का कंटेंट मैं डालता रहता हूँ, आपको अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है, और अच्छा अच्छा सीख मिलता रहेगा दोस्त, ठीक है। तो दोस्त आए हो तो वीडियो को बिना लाइक किए जाएगा ना दोस्त। आपको मैं ड्राइंग दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं मशीन पे चल के आपको प्रोग्रामिंग मैं किया हूँ उसको भी दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको कैसे मैंने तैयार किया होगा, ठीक है दोस्त। तो ये देखो ड्राइंग मैंने, यही है वो ड्राइंग, ठीक है। देखो टोटल लंबाई 133 mm है, ठीक है। 105 mm यहाँ से यहाँ टर्निंग है इसकी, ठीक है। जो टर्निंग साइज है 105 mm लंबाई है इसकी, और जो टर्निंग साइज है इसका यह 20 mm, ठीक है। ये इसका 20 माइनस, देखो माइनस 0.03 से लेके माइनस 0.05 तक है, ठीक है। यानी कि 95 से लेके 97-98 तक चल जाएगा हमारा, 1995, ठीक है। तो ये साइज मैंने कैसे तेल स्टॉक लगा के यहाँ पे टर्निंग किया हुआ है, और इधर से पकड़ के मैं इधर रिवर्स चूड़ी डालूंगा। देखो ये दिया हुआ है रिवर्स थ्रेड, ठीक है। 24-2 की हमारी थ्रेडिंग है, ठीक है। तो आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा दोस्त, ठीक है। तो टर्निंग करना है ये हमारा हेक्स, ठीक है। ये हमारा हेक्स टर्निंग करना है इस पर, ठीक है। तो इसी को हमने यहाँ से यहाँ टर्निंग कर देना है, यहाँ तेल स्टॉक लगा के, और यहाँ पे रिवर्स चूड़ी डाल देनी है थ्रेडिंग, ठीक है। उल्टी चूड़ी यहाँ पे लेफ्ट में डाल देनी है, ठीक है। तो इसी पीस को मैं, ये देखो यहाँ पे सेंटर लगा हुआ है, यहाँ तेल स्टॉक लगा के पूरा टर्निंग करूँगा, इधर से पकड़ के मैं इधर से इसको फाइनल कर दूंगा। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मशीन पर पूरा एक्सप्लेन करके, वीडियो को पूरा देखना तो ठीक है, स्किप नहीं करना, ताकि आपको समझ में आएगा। और आपको मशीन पे चल के मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे मैंने तैयार किया हुआ है इसको, ठीक है। तो मशीन पे चल के एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ आपको, इसको ड्राइंग रख देता हूँ थोड़ा समय। दोस्तों ये देखो हमारा पूरा सेटिंग किया हुआ है हमने, ठीक है। ये देखो हेक्स का मैंने, ये देखो जो भी तैयार किया हुआ है गुट के मैंने तैयार किया हुआ है हेक्स का, ठीक है। ये हमारा तेल स्टॉक, इधर तेल स्टॉक लगा हुआ है, ठीक है। तो ये देखो हमारा TNMG नाइफ है, देखो 0.4 की लगी हुई है, और CNMG से हम रफ करेंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारा सारा पूरा सेटिंग तैयार खड़ा हुआ है, हमारा प्रोग्राम आपको दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये देखो ये हमारी ये प्रोग्रामिंग है, ठीक है। ये पहला टूल मैंने रफ के लिए लगाया हुआ है, ठीक है। ये देखो आपको पूरा दिखाता हूँ मैं आपको, देखो 7 नंबर टूल है हमारा CNMG, ठीक है। ये हमने सारा ऊपर का प्रोसेस डाल दिया हुआ, कटिंग सरफेस कटिंग स्पीड वगैरह RPM वगैरह, ठीक है। तो ये हमारा 34 पीस का डाया है, तो मैंने 32 पे पहले कट मार दिया 105 तक। मैंने आपको बताया था ना टर्निंग बैरिंग साइज जो टर्निंग है 105 तक है। तो ऐसे इसे करके मैंने एक्स तो दो दो तीन तीन एम 2.5 mm करके मैंने कट लगा दिया वो 105 ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे जाके जो मैंने ऊपर एक एंगल मारा हुआ है, देखो यहाँ पे देखो 105 टर्निंग है ना, तो यहाँ पे 107 पे 7.3 पे जाके मैंने एंगल लगाया हुआ है 315, ठीक है। यहाँ पे एंगल लगा के देखो रफ वाले से मैंने एंगल लगा दिया ऊपर, जो डायप एंगल लगा हुआ है, ठीक है। और नीचे आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे कोई फाइनल नहीं हुआ, केवल रफ है, ठीक है। 20 mm हमारा बैरिंग साइज है, तो 21.5 तक हमने कट लगा दिया, 1.5 mm मार्जिन छोड़ दिया उस पर, ठीक है। तो अब हमारा आएगा 6 नंबर टूल, यानी कि दूसरा टूल जो फाइनल करेगा, ठीक है। जो फाइनल ये हमारा फाइनल टूल है, ठीक है। 6 नंबर में मैंने TNMG बांधा हुआ है, ठीक है। 0.4 नाइफ एज,
ठीक है। ये देखो मैंने, देखो 17 पॉइंट पर जाके मैंने मेरे जेड जीरो पर टच करा के एंगल लगाया हुआ है, ठीक है। 20.17 इसमें हमारी थोड़ी सी टेपर आती है तो हमने टेपर डाल रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो एंगल लगाया, यहाँ पे टेपर डाल दिया, यहाँ पे भी टेपर, यहाँ पे 104 mm तक जाएगी हमारी टर्निंग करते हुए, ठीक है। 104 क्यों गई, क्योंकि यहाँ पर हमारा रेडियस है 1 mm का, ठीक है। तो यहाँ पर इतना इतना टेपर है हमारी मशीन, अभी टेपर दे, इसलिए टेपर मैंने डाल दिया हुआ है। यहाँ पर देखो 104 तक, 4.2 तक आया, फिर G02 में मैंने रेडियस लगाया, उसमें रेडियस भी है, ठीक है। 134 पे ऊपर उठा के 0.0 पर ला के G75 यानी रेफरेंस पे खींच लिया, M30 से मतलब प्रोग्राम ऑफ हो गया, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्रामिंग हो गई दो टूलों का। अब मैं आपको पूरा पीस चला के दिखा रहा हूँ, एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ कि कैसे ये चलता है, ठीक है। तो पीस पहले लगाता हूँ आपको, देखो अभी इस पर भी देखो, ये इस तरह भी देखो अभी हमारा सेंटर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको एक तरफ मैंने इसके जॉब में पकड़ लिया, ठीक है, इसको क्लैंप कर दिया, ठीक है। एक तरफ इसको तेल स्टॉक लगा दिया मैंने, ठीक है, ये हमारा तेल स्टॉक लग गया, ठीक है। तो अब इसको टर्निंग करके दिखा रहा हूँ मैं, पानी बंद करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी बीट की एजी जाएगी, क्या होगा, ठीक है। तो मैंने जीरो कर लिया, सिंगल ब्लॉक पर ला के मैंने इसको चला दिया, ठीक है, पानी बंद कर लिया मैंने। अब इसको देखा, ये टूल आया हमारा रफ होना, ये CNLG है, ठीक है। देखो एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको, प्रोग्रामिंग भी दिखाया, आपको नोट कर लेना ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है, पूरा आपको समझ में आएगा। ये लास्ट का मेरा चला गया, ठीक है। अब आएगा मेरा TNMG, इसको मैंने पानी का बंद कर दिया, ठीक है। ये TNMG है, 0.4 है नाइफ एज की, जो मैंने बताया था आपको, ठीक है। ये रेडियस लगा दिया हमारा, ये मेरा एक तरफ पीस तैयार हो गया, ठीक है। ये देखो हमने तेल स्टॉक को बाहर किया, देखो एक तरफ मेरा ये पूरा फाइनल तैयार हो गया, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, देखो एक तरफ का ये बैरिंग साइज मेरा तैयार हुआ, ठीक है। अब इसको नाप लूँगा, जो थोड़ा बहुत बैरिंग साइज में फ़र्क होगा उसको मैं ऑफसेट में डाल दूँगा, ठीक है, मेरा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अभी तो मैं आपको फर्स्ट साइड दिखा दिया दोस्त, ठीक है। सेकंड साइड में अभी लगाऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है, उसका भी वीडियो मैं बना के डाल दूंगा कैसे मैंने रिवर्स चूड़ी डाला हुआ है। लेकिन इसको पहले मैं इसको दिखा दिया आपको कैसे ये टर्निंग हुआ, कैसे मैंने प्रोग्राम बनाया, सब कुछ दिखाया आपको, ठीक है। ये पीस है, ये रफ पीस है, ये फाइनल, ठीक है। तो एक तरफ मैंने बना दिया, अब यहाँ से मैं पकड़ के यहाँ पर रिवर्स चूड़ी इस पर डाल दूँगा, 24-2 की चूड़ी है, ठीक है।
दोस्त, उम्मीद करता हूँ ये आपको देखने में बहुत अच्छा लगा होगा और जो मैं प्रोग्रामिंग आपको दिखाया हो समझ भी आया होगा कि कैसे कैसे मैंने टर्निंग किया, कैसे कैसे रैप लगा के फाइनल किया, ठीक है। और जो सेकंड साइड का होगा उसका भी वीडियो मैं आपको डाल दूंगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये मैं जो आपको समझाया वो आपको समझ आएगी, ठीक है दोस्त। और आए हो तो अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा ना दोस्त, ठीक है। और वीडियो को कर दिए लाइक, ठीक है। तो चलिए नेट में सीएनजी के रिलेटेड डालता रहूँगा, आप लोग को अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।